ये रहा होम स्टे मेरा, और ठीक यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है, मुझे घूम के नहीं जाना पड़ेगा। सो व्हाट्स अप यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हैं नागालैंड में, तो अभी फिलहाल मैं कोहिमा में हूँ और आज हम एक्सप्लोर करें सारे लोकल मार्केट्स। सो ऑब्वियसली सारे ट्राइबल मार्केट्स, यू विल गेट टू सी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सो डोंट वरी, एक के बाद एक चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे। बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू सी ऑल दैट, इट्स ओके, यू कैन स्किप, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आती है। सो एनीवेज, चलिए, काफ़ी देर हो चुका है, अब जा रहे हैं टैक्सी के होश पर। और ये है टैक्सी। नागालैंड में ट्रैफिक भी काफ़ी लग जाती है, मतलब सुबह 4 बजे से ही शहर उठ के पूरा एक्टिव हो जाता है। हालांकि मार्केट सब खुलने में टाइम लगता है, सो 10 बजे मार्केट खुलेगी। दिस इज माओ मार्केट। दीदी, एक का कितना है ये? 401 का। अच्छा, दिस इज फ्रॉग, इवन दिस इज फ्रॉग स्मॉल वन। और ये है माइस, दीज आर माइस। व्हाट आई हियर इज दैट देयर गुड फॉर कफ, इसलिए वो लोग यहाँ पे खाते हैं इसे। दिस इज बीहाइव। दीदी, ये कितने का? 7,000 फॉर वन। ओके, ये एक तो 400 रुपए का बिक रहा है। इमान डांगोर डांगोर धरे के नुका हो साबले भर लगे। ये बड़े वाले फ्रॉग्स, और ये भी सेम साइज की है। और ये स्नेल्स है। ये तो कैनु का खाए स्नेल तो? ये भाजी भाजी खाए। पकाए जी मैं खाबो। ओ, ये स्नेल चला जा रहा है। ये तो फ्राई करके खाते हो? फ्राई पानी खा लेना। अच्छा, पानी लेना। और ये इस, ये तो वुड वर्म है ना, लाइक लकड़ी वाला? लकड़ी वाला। हाँ हाँ। और एक और रहता है शायद, ये वाला सिल्क वर्म, इसे बीला। ओ, बीला बीला राइट। और ये बी है। दिस इज लाइक अ रिच मैनस डाइट नो, 7,000। The rats nah, this is guinea pig, guys. This is guinea pigs. White rats, paro, pigeon. This is like a very big one. ये तो 7,000 से ज़्यादा हो गए, ये तो शायद 10-12,000 हो गए। दीदी, ये सब भी 7,000 का? सब 7,000 है? 7,000। अच्छा, सब अलग अलग है। आप नागालैंड से ही हो? आप नागालैंड से? नहीं, आप बाहर से हो ना, लगा मुझे। ये सिल्क वर्म सब, इसको तो फ्राई करके खाया जाता है, फ्राई या फिर बॉईल करके भी, हाई इन प्रोटीन। एंड दीज आर माइस। ये भी केजी में बिकता है क्या, या एक एक पीस में बिकता है? अच्छा, एक पीस का कितना है? 250। These are like white mice. I hear they're good for cough. Like that's why people in Nagaland consume them mostly. ये ईल फिश है, यहाँ पे ईल की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। These are mushrooms. क्या नाम है? परिश्मन। परिश्मन कहाँ का है ये? तो कश्मीर वाला है। ओ, ये मैंने भी नहीं देखा पहले। अच्छा, चिली है ना ये? दीदी, कितना करके? प्लेट प्लेट तो कितना? एटा प्लेट 100 है। एटा प्लेट? अच्छा, एटा प्लेट 100। एटो की? ओ, फसला पता, स्क्वास पता। अच्छा अच्छा, এটোটো গার্ডেনত ইয়াতে হয় ন, না বাহিৰ পৰা আহে? ইয়াতে আছে ন? আচ্ছা আচ্ছা, বাহাল লাগা নাই, ঘৰতে হেৰি কৰে, ঘৰতে হেৰি সব নিজে ন?
তো মাশরুম তো কিমান হয় এটা মাশরুম নহয় এরো মাশরুম নহয় রসুন ও ও আচ্ছা খুবই কই খুবই ও গার্লিক গার্লিক এই চাটনি খাই হ্যাঁ সর্দি খাসি কারণে ভাল না বাবা কিন্তু না सब कहिमा नागालैंड का गार्लिक है ये सब यही पे उगता है एटू किमान है ने एटा हेरी एटा 500 ठीक 500 टका है 500 500 টাকা আছে এটা না 500 টাকা দি নাগা মানু লাগালা এটো কি কিবি হয় কিবি নিশানা না দেখি বলে হ্যাঁ এটো কি নাগারে নাগা আছে দেই এটো কি টমেটো টমেটো না হয় এটো তাতে সাইজ আছে বেশি মো তাতে সাইজ আছে এটো না রুইয়াত হয় নেকি এটো না হয় এটো কাশ্মীর পা আছে না না হয় না এটো ইয়াতে হয় নাগারে নাগা নাগালেন আচ্ছা আচ্ছা কাণ্ডে পায় আর এটো কি কেরা ও এটো মানে হেরি কইছে কি কেরা না क्रैब इसके अंदर क्रैब है बट ये पैक है इधर की भीतर रोटे अच्छा अच्छा ये अंदर इसका क्रैब है बट ये बंधा हुआ है लोकल लगा के करा ना हाँ अरे तो लोकल लगा तो मिटो हाँ इधर द हेरी जंगली टमेटो लोकल टमेटो इतु बड़ो है जंगली टमेटो इतु इतु तो सोयाबीन और है ना सोयाबीन लगा तो ना हाँ लगा अपनी बनाई अच्छा अच्छा इधर भीतर रोट की सोयाबीन ना आखोनी आखोनी हाँ हाँ इतु बने पेस्ट है हरी सब कुछ हाँ ये सोयाबीन से बनता है ये पेस्ट हाँ इनका बनाए तो इनका चाली ने बनाए रखे तो नहीं बाहर चाली भी दो जाए नहीं खाए तो हाँ भातों लगत खाए भातों लगत है ना मर्चा डाली नहीं ना चटनी भिंडी ना ना बेंगली निया जाने नागामीज तो सेम सेम न दाल नागा दाल नागा दाल अच्छा नागा दाल नागा मनु लाल दाल बोल खाता है चमड़ा भी खाता है बूटी भी खाता है ए ए तो खाता से क्या चार कोना है तो चार कोना चार कोना चार कोना कथा बोलो ना सलाद खाई तो सलाद और सलाद कथा कथा खाई अरे को कालो खाए कालो चावल तो पिता पुरी खाए ना यू निचना तक हम भी गलो बनाने खाए बाम्बू शूट दिस इज लाइक अ बेसिक पार्ट ऑफ द नागालैंड डाइट द बाम्बू शूट ओ की तो 7000 ना 7000 7 নহয় না এটো তো বেছি হবো 20000 ও 26000 ও ইয়ে 26000 কা বড়া ওয়ালা ইয়ে 6000 7000 কা এটো কি ভিতরটা আছে নেকি আছে ভিতরটা এটো কি বয়ল করি খায় সাবলে তো ইমান ধুনিয়া ইজ আ ড্রাই ফিশ So we just explored Mao Market. Mao Market is in Kohima, और ये mostly this is mostly run by women only. Like mostly women ही देखा है मैंने वहाँ पे. ज़्यादातर औरतें ही वहाँ पे चलाती है. और जो मैंने उनसे जिस भाषा में बात की वो एसमीज़ी था. But the thing is that यहाँ पे जो most commonly spoken language है वो है नागामीज़. वो तो आपको पता ही होगा. और नागामीज़ और एसमीज़ में काफ़ी similarities है. इसलिए जब मैं एसमीज़ में बोल रही थी उनको समझ में आ रहा था. और जब वो नागामीज़ में बोल रही थी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था. सो दैट इज़ द डील. और नागामीज़ इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ एसमीज़, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश. तो क्योंकि 16 से 17 ट्राइब्स हैं यहाँ पे, मेजर ट्राइब्स, जैसे आओ हो गया, अंगामी ट्राइब, फोम ट्राइब, देन देर इज़ लोथा ट्राइब, सुमी ट्राइब, और ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं. और कोहिमा में मेजरली अंगामी ट्राइब्स रहते हैं. तो हर ट्राइब के अलग अलग लैंग्वेज है, तो इसलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा था.
तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि दे विल मेक अ लैंग्वेज विच इज़ कॉमनली स्पोकन अमंग्स देमसेल्फ और कमर्शियल पर्पस के लिए दूसरे स्टेट्स के साथ भी वो बात कर सके. सो इसीलिए नागामीज लैंग्वेज मतलब दैट्स हाउ इट केम इनटू बीइंग, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. और इसलिए काफ़ी सिमिलर है एसमीज और नागामीज, अगर आप सुनो तो काफ़ी हद तक सिमिलर है. तो बस यही मज़ेदार लगा मुझे, दैट आई वाज स्पीकिंग टू देम एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग, तो काफ़ी अच्छा लगा. या जो भी है, बिसाइड्स नागामीज इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन हेयर इन नागालैंड. तो आप इंग्लिश यहाँ पे सबको आती है और हिंदी भी थोड़ा बहुत, वो लोग हिंदी में भी बात करने लगे हैं विच इज़ अ गुड थिंग. सो या यहाँ पे आपको वैसे हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इंग्लिश और नागामी ज़्यादातर यहाँ पे चलता है. ये मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हो आप, सॉलिड नज़ारा है. तो फिलहाल हम हैं कैथीड्रल चर्च में, चर्च का दरवाज़ा शायद बंद है बट अपन ट्राई करेंगे अंदर जाने के लिए. चर्च यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट पीछे का जो व्यू है उससे मैं ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ सीरियसली. चर्च बाय गॉड बहुत खूबसूरत था, और चर्च में जाके हमेशा काफ़ी पीसफुल लगता है. इवन तो अंदर इतना शूट करना अलाउड है नहीं वीडियोग्राफी, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की और चर्च में आने से हमेशा कितना पीसफुल लगता है. ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत है कैथीड्रल चर्च. मेक श्योर कोहिमा में आए तो यहाँ पे ज़रूर आए, एकदम ऊपर है ये कोहिमा के पहाड़ में. यहाँ से पूरा का पूरा सिटी दिखता है ऑफकोर्स, और पूरा का पूरा कोहिमा दिखता है जो मैंने ऑब्वियसली आपको दिखाया. यहाँ पे आइए, बहुत सही रहेगा, बहुत शांति महसूस होगी. अभी चलिए नेक्स्ट लोकेशन की ओर. अभी हम आ पहुँचे हैं कोहिमा वॉर सिमेट्री में, तो कार वहाँ पे पार्क करके बस ऊपर ही जा रहे हैं. लेट्स गो. तो वॉर सिमेट्री में हम हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट बटालियन द रॉयल वेल्श फ्यूजिलियर्स इन प्राउड मेमोरी ऑफ आवर कॉमरेड्स हु फेल इन द बैटल ऑफ कोहिमा मणिपुर रोड लेस वी फुगेट. तो यहाँ पे उन सारे सोल्जर्स के नाम मेंशन किए हुए हैं जिनके लिए मेमोरियल बना हुआ है. तो मेमोरियल काफ़ी खूबसूरत है. दिस इज़ द वॉर सिमेट्री, और ये जहाँ पे हम रह रहे हैं मुरुंग होम स्टे उससे काफ़ी पास है. तो हम जहाँ पे रह रहे हैं वो मिडलैंड कॉलोनी है, और लोकल टैक्सी को अगर आप बता दोगे वॉर सिमेट्री में आना है so they can get you easily here. Location बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आइए ज़रूर. तो एक सोल्जर का नाम मैंने यहाँ पे देखा है, कहाँ गए, हाँ वहाँ पे जी बिल्सलैंड. तो ही वॉज ओनली 19 वेन ही यू नो ही वॉज सेक्रीफाइस्ड इन द बैटल. उनका मेमोरियल यहाँ पे बना हुआ है. कैन यू इमेजिन कितने यंग थे वो जब वो इस बैटल पे लड़ रहे थे. ये सोल्जर्स काफ़ी यंग थे, 18-19 साल के भी है. मैंने वहाँ पे देखा है ग्रेव पे उनका नाम और एज काफ किया हुआ है. 18-19 ईयर ओल्ड के भी थे, और उसके ऊपर तो थे ही, चलो 26, 27, 38, 39 तक देखा मैंने. बट जो काफ़ी यंग थे, 18-19 साल के थे सोल्जर्स, वो भी शहीद हो गए. तो वो सोच के काफ़ी बुरा लगता है एक्चुअली. तो हियर इज़ अ सोल्जर नेम H.P. एवंस हु डाइड इन द बैटल, हु वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड. फिर यहाँ पे भी देखा है मैंने, आई थिंक 22-23 ईयर्स ओल्ड की ये, हाँ ये रहे.
Davy Barnett, who was 23 years of age, and then D.L. Cousins, who was only 22 when they fought in the battle and they passed away. तो सोच के काफ़ी बुरा लगता है कि इतने यंग जो जवान थे हमारे सारे बैटल के दौरान शहीद हो गए. तो सोच के काफ़ी बुरा लगता है. जो भी बोलो यार. डोमिनोज हर जगह है. रेड राइस 100 টাকা 100 টাকা 1 কেজি এ 1 কেজি তো এটা 1 কেজি 1 কেজি 1 কেজি না 1 কেজি लास्ट में मिल रहा है काफी खूबसूरत. यहाँ पे भी बॉम्ब्स तो ये बी आई ब्लर सब मिल जाएगा आपको. स्नेल्स यहाँ पे साइजेस काफी बड़े हैं. Because we are in the fashion capital of Northeast India. ये गैस कैंस आपको मिल जाएंगे 100 रुपए के. अगर आपको जुको वैली वगैरह जाना है आपको खुद को पकाना पड़ेगा फॉर दैट. ये कितने का है भैया? 100 रुपए का ना. दिस इज 100. मार्केट का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है. डायर हेजो मार्केट जो हमारा सेकंड लोकेशन था. बट यहाँ पे भी वही सिमिलर चीजें दिखे जो माओ मार्केट में दिखाई दिया. और ऑपोजिट पे एक वेडिंग चल रहा था. क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के फैशन कैपिटल में है अवश्य की कहीं मुझे एक सलोन दिख जाए वेर आई कुड गेट रेड ऑफ माई हेग्रिड हेयर एंड एटलीस्ट गेट अ बेटर हेयर कट. बट अभी तक नसीब हुआ नहीं. और ट्रैफिक का काफ़ी इशू है कोहिमा में. अभी भी चारों तरफ ट्रैफिक है. कार पता नहीं कहाँ पे पार्क हुआ है. बस चलते हुए जा रहे हैं कार तक पहुँच जाए. दिस इज़ लाइक अ फुट ब्रिज. इट्स रियली कलरफुल. सो देर इज़ समथिंग अबाउट नागालैंड. एक रूमर है जो हमेशा हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सेफ नहीं है रात को घूमना बाहर निकलना अकेले अकेले एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कल मैं खुद निकली हूँ रात को यहाँ पे कोहिमा में और एकदम सेफ था. ऐसा कुछ था नहीं. ऐसा कुछ मैंने फील नहीं किया. सो इट्स नथिंग लाइक दैट. इफ यू आर अ फीमेल ट्रैवलर यू आर ट्रैवलिंग सोलो आपको कोहिमा में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर सब सेफ है और शाम के 7 बजे तक सब कुछ खुला रहता है 7-8 बजे तक. तो आपको उस चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है जो हम लोग ये हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इट्स नॉट सेफ एंड दिस एंड दैट. ये सच नहीं है. सो आज भी शाम को मैं निकलूँगी और देखूँगी यहीं पे सामने होम स्टे के सामने ऑपोजिट में एक और मार्केट बैठती है वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कल मैंने दिख दी. ये होम स्टे का पीछे मैंने सुबह दिखा था ना एकदम क्लियर व्यू दिख रहा था. अभी हालत देखिए पूरा क्लाउड से ढक चुका है और बारिश भी आ गई है.